हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम आप लोग को सनी का वीडियो बनाने वाला हूँ, SKT 90S, जो नया है और इसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। तो हम गाड़ी के ऊपर में चल के आप लोग से बात करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि कैसे गियर लगता है, क्या इसका सिस्टम है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो वीडियो शुरू करने से पहले, आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी करें और कमेंट में आप मेरे को पूछ भी सकते हैं और दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं गाड़ी के ऊपर बैठ गया हूँ। तो अब हम आप लोग को बारीकी बारीकी बताएंगे कि क्या है, क्या नहीं है और कैसे गियर लगता है, क्या सिस्टम है इसका। तो आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहें, स्किप ना करें। स्किप कर देंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अरे पूरा अगर वीडियो लास्ट तक एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहीं भी जाएंगे तो आपको इजीली हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं। कभी ट्रेनर भी पूछ देगा तो आप लोग को आसानी हो जाएगा बताने में, हाँ ये चीज़ क्या है और वो चीज़ क्या क्या है। तो आप लोग वीडियो में बने रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइज, हम सबसे पहले आप लोग से बात करेंगे सीट के बारे में। सीट के बाद ही आप लोग को गियर का बात बताऊंगा। तो सीट में बैठने के बाद मैं आपको सीट का क्या क्या है क्या नहीं, ये आप लोग देख सकते हो। वो रड दिख रहा है, वो आगे पीछे करने का सीट इधर उधर, ये जो बटन दिख रहा है, आप लोग इसको ऊपर इधर खींचेंगे तो सीट डाउन होगा और ऐसे दबाएंगे तो हवा रहेगा तो ऊपर सीट को फूलेगा। आपको जितना में एडजस्ट करना है वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये सीट फुलाने वाली है। अब इधर जो आप लोग को दो को पैनल दिख रहा है, ये सीट को नीचे ऊपर करने का, ये ऊपर से नीचे करने वाला है, ये वाला सिस्टम, ठीक है। और एक इधर आएंगे तो आप ये वाला जो है पीछे जो हम लोग लदकते हैं वो वाला आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैंड रखने के लिए दिया दिया है, VIP के लिए दोनों साइड में है, ठीक है। तो इसका सेफ्टी बेल्ट भी दोनों साइड से है, एक यहाँ भी है एक इधर भी है। तो आप लोग जिधर भी मर्जी उधर से आप लगा सकते हैं। अब गाइज, आप बात करते हैं गियर की। तो इसमें भी गियर है, 5 ही गियर है। तो आप लोग को कैसे चलना है, क्या नहीं, कैसे चलना है आप लोग को, ये चीज़ हम आपको बताने वाले। तभी मेरा गाड़ी ये न्यूट्रल में है। तो ये जो बटन दिख रहा है, ये वाली, ये क्लच है इसका। इसको जब भी दबाएंगे तभी ये आएगा लीवर। तो यहाँ पर ले आएगा तो अभी आ गया ये डी मोड में। तो आपको डी मोड में ही चलना है। टोटल गियर आपका 5 में है तो आपको डी मोड में ही चलना है। डी मोड में अगर चलेंगे तो आप बस एक्सीलेटर दबाते जाइए, आपका गाड़ी चलते जाएगा। जितना भी जैसे जैसे मौसम बनेगा वैसे हिसाब से गियर शिफ्ट होते जाएगा। तो और यहाँ पे ही गियर आपका लिखेगा भी, ठीक है। तो अब ये अगर हम डी में लगा दिए तो ये ऑटोमेटिक हो गया। एग्जाम्पल अगर हम 4 में ले आए इसको दबा के, तो 1, 2, 3, 4 ही तक शिफ्ट करेगा, 5 तक शिफ्ट नहीं करेगा। फिर अगर हम 3 में ले आए तो 1, 2, 3 ही तक शिफ्ट करेगा, 4, 5 फिर नहीं शिफ्ट करेगा। क्योंकि आप जितना भी इसको ला के छोड़ेंगे उतने ही तक ये शिफ्ट करेगा। बाकी हम 1 में ला के रख दिए तो 1 में ही शिफ्ट करेगा, उसके बाद तो 2, 3, 4, 5 तक शिफ्ट नहीं करेगा। फिर इसको चलाना है आपको तो डी में ही चलाना है। अभी 1, 2, 3, 4, 5 में आपको ला के नहीं चलाना है, आपको डी में चलाएंगे तो आपको बैलेंस भी बनेगा। और रिवर्स इसका है, बस यूँ बटन इसको दबाइए ये चला जाएगा। तो यहाँ पर भी एक लाइट जलेगा जैसे ग्रीन बत्ती जलता है रिवर्स का। तो ये रिवर्स हो गया, आप जाएंगे रिवर्स में, यही है बस। और आप लोग को जो ये बटन दिख रहा है और एक इधर बटन है, इसके बारे में भी बताते चलूँ आप लोग को। तो ये बटन दबाएंगे तो ये इकोनॉमिक बटन है, ठीक है। तो इकोनॉमिक बटन क्या है कि डीजल थोड़ा सा कम पिएगा तो यहाँ पर भी एक बत्ती चलेगा, ऑरेंज कलर का, इसी कलर का ही बत्ती यहाँ पर जल जाएगा। इसका काम है लेकिन आपका काम नहीं है, क्योंकि ये गियर वाइल लेवल चेक करने का है। ये बटन और ये बटन दबा के करेंगे तो गियर लेवल यहीं पे बताएगा आपको कि कितना मेरा गियर वाइल लेवल है। तो ठीक है, ये हो गया आपका गियर के बारे में। अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग का और डिस्प्ले का और ये सब स्विचेस का, सारा आप लोग को बात करेंगे। तो इसका इंजन कंट्रोलियम यहीं पर दिया है, 4 तक दिया हुआ, ये 0 में है, ये इधर कर देंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2, 3, 4 तक का इंजन कंट्रोलियम दिया हुआ है, ठीक है। और यहीं से है वेपर का, आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, इंजन कंट्रोलियम जैसे हम 1 में लगा दिए तो ये फास्ट है, फास्ट करने का है। जितना भी आप फास्ट में बढ़ा सकते हैं, ये वाला है इधर उधर घुमा के, तो फास्ट या स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट कर देंगे। अभी यहीं से दिया हुआ, ये बटन दबाएंगे पानी भी उधर से निकलेगा, यहाँ से आगे पीछे कर लेंगे, ठीक है। और इधर वाला, ये वाला हॉर्न का है,
ठीक है। इधर ही लाइट का हेड डिपर, तो हेड डिपर का बारे में भी आपको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं। इसका कोई काम का नहीं है, ये वाला ये जो दिख रहा है ये कोई काम का नहीं। इंडिकेटर भी यही से लेफ्ट राइट करेगा, ठीक है। अब हम डिस्प्ले में आप लोग को दिखा रहे हैं, ठीक है। और डिस्प्ले में दिखाने से पहले ये इस स्विच के बारे में आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया फोर इंडिकेटर, ये हो गया हॉर्न का। ऐसे कर देंगे तो ये प्रेशर हॉर्न बजेगा, ऐसे रहेगा तो टीटी हॉर्न बजेगा। अब ये स्विच कहाँ का है आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि ये किधर का है। जब आप रिवर्स करेंगे आप, तो ये डालेंगे, ये स्विच डाल देंगे तो आपका आगे चक्का के सामने में लाइट जलेगा, जो कि डाला उठाने के लिए काम आएगा। ये वाला स्विच, ये वाला आपका है बम्फर के पास में, ब्लू कलर का जलता है वो है। ये है केबिन का ऊपर वाला, आसमान वाला, जैसे वहाँ ऊपर में होगा केबिन का ऊपर वाला ये स्विच है, ठीक है। ये केबिन का ऊपर वाला लाइट है। अब इसकी बात करें तो ये आपका है पीटीओ गियर, जो हम डाला उठाएंगे, बस यूं ऐसे दबाएंगे और इसको यूं कर देंगे। ये है आपका बबलिंग लाइट, जो केबिन का ऊपर में बबलिंग करता है ऐसे ऐसे। और ये है डिफरेंसर लॉक, ये इसको ऐसे दबा के गाड़ी वाड़ी फंस गया तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्विच मैंने आपको बताया था, ये जो गियर लेवल चेक करने के लिए है, ये स्विच कोई काम का नहीं है, इसको मतलब यूज नहीं होता है, ठीक है। अब ये हो गया एसी का, ये आपका फैन का हो गया, ये एसी का हो गया। इधर से आप बढ़ा सकते हैं, इधर कम बेसी है, इधर आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये डिस्प्ले आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डिस्प्ले सॉन्ग उंग बजाने के लिए है, जो अच्छा है एक तरह से देखा जाए, और नहीं तो ख़राब भी है। तो हम चाबी को ऑन करते हैं, उसके बाद हम आप लोग को दिखाते हैं कैसा डिस्प्ले शो होता है, ठीक है। तो आप लाइन पे बने रहे, डिस्प्ले के बाद भी आपको और चीज़ भी बताएंगे, ठीक है। मेन इम्पोर्टेंट है किलोमीटर हावर्स मीटर, ठीक है। तो किलोमीटर आपको दिखेगा, ये है किलोमीटर और ये है आपका हावर्स मीटर जो दिख रहा है, ठीक है। यहीं पर कहीं आपको छेड़ना, ये बटन ये सब दबाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। किलोमीटर इधर है, आवर्स मीटर उधर है, ये ट्रिप किलोमीटर है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ता है ड्राइवरों की। ऊपर में आप टाइमिंग और डेट भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये बटन है, आप लोग को चाहे तो ये बटन कभी देखने के लिए, तो ये इसे मेन्यू खुलता है, ठीक है। और ये इससे आगे पीछे इधर उधर होगा, ये आप वहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले में, ठीक है। और इधर से लेफ्ट राइट वाला है, इसको करेंगे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ता, ये बैक बटन है, ठीक है। अब ये डिस्प्ले में आप देख सकते हैं इस तरह, जैसे आप ब्लूटूथ कनेक्टर लेंगे तो इस तरह होगा। अब एक चीज़ अब आपको और जानना है, ये जो देख रहा है ये सेंसर है, ये पीछे का है। जब आप रिवर्स करेंगे तो ये पीछे में आपको सिग्नल देगा कि पीछे गाड़ी है कि आदमी है क्या है, कुछ नहीं ये आपको बताएगा। ये आगे का है, आगे का सेंसर है, जो आप आगे में जा रहे हैं तो आगे अगर गाड़ी है तो वो आपको बताएगा इतना सेंटीमीटर या किलोमीटर जो भी वो बताता है, उसके आगे पीछे में आपका गाड़ी है तो टी टी करके यहाँ पर भी साउंड दिया हुआ, इसको कम बेसी आप कर सकते हैं आपके मुताबिक। ये है कांटा कि गाड़ी में कितना माल लोड है, वो आपको यहाँ पर बताएगा। ये वाला है, ये भी एक सेंसर है, जैसे नाइट में अगर आपको नींद लग रहा है, अगर ये ऐसे रहेगा तो आपको ये सिग्नल बताएगा कि आपका मतलब आँख बंद हो रहा है तो आप अलर्ट रहें। ये आपको देख रहा है ये लाइट का सेंसर, ये ऑटोमेटिक हेड डिपर होता है, आप इसमें हेड डिप नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जो हेड डिप का हमने आपको बताया था ये वाला, तो इसमें करके रखेंगे, ये डिम हो गया, ये फुल हो गया, ठीक है। तो आपको वो सेंसर को अगर काम करना है तो आपको इसको ऊपर ही रखना होगा, नीचे अगर कर देंगे तो सेंसर जल्दी काम नहीं करता, इसको ऊपर ही रखना है। तो ये सेंसर है लाइट के लिए जो ऑटोमेटिक काम करता है, इसमें हेड डिप के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक हेड डिप करता है। तो गाइज वीडियो में आपको अगर समझ में आ गया होगा गाइज, और ड्राइवरों को देखें आराम करने की जगह भी एक दे दिया सीट, और यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं, ये सिगरेट बीड़ी जो पीते हैं उसके लिए भी है, यहाँ पर है सब कुछ। तो अच्छा स्पेस दिया हुआ, जैसे बारिश उरिश हो गया तो गाड़ी आराम से खड़ा करें और रेस्ट भी कर लें, ये चीज़ दिया हुआ है। तो गाइज अगर वीडियो को पसंद आएगा तो ज़रूर दोस्तों पर शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो गाइज हम आप लोग को बारीकी बारीकी बता दिए, अगर नहीं जो समझ में आया होगा आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे भी, जितना हमको नॉलेज है उतना हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत यूट्यूबर भी हैं, ज्ञानी लोग उससे भी है, लेकिन जो जितना मेरा ज्ञान है उतना हम आपको बताएं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को सब्सक्राइब भी अगर आप कर दिए तो उसके लिए भी बहुत तहे दिल से भी शुक्रिया। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।
है।